हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। दिस इज डॉक्टर रजनीश का। हमारे पास जो अभी आई हैं पेशेंट चल करके, ये मॉडलिंग के साथ रखती हैं और मॉडलिंग करती भी हैं, ये फरहान नाज हैं। मैडम, क्या प्रॉब्लम होते हैं आपको? सर, मुझे ना बैक पेन काफ़ी टाइम से है। तो मैं मुंबई आई थी अपना मतलब मॉडलिंग के पर्पज़ से। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स से मैंने डिस्कस किया इस बारे में कि मुझे बैक पेन भी होता है, मुझे शूट पे काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो मेरे फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि एक डॉक्टर रजनीश करके हैं, तो आप एक बार उनसे मिल लीजिए। हाँ, तो उसके लिए मैं आपके पास आई हूँ, आपके पास ट्रीटमेंट के लिए। बैक पेन कब से हो रहे हैं आपको? ये मुझे है 2-3 साल से है मिनिमम। 2-3 साल? हाँ, से काफ़ी दवाई वगैरह भी किया बट कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा। जब दवा लेती हैं ठीक रहता है। हाँ, फिर उसके बाद से फिर वैसे ही दर्द होने लगता है। तो ये काफ़ी पिछले मतलब 2-3 सालों से बैक पेन से परेशान है। और इन लोग के जो मतलब है, जो इनका अपना हॉबी है, इनका कार्य है, उसमें बहुत ज़रूरी होता है कि खुद को मेंटेन रखना। क्योंकि इन लोग का जो मॉडलिंग जो होता है ना, जो गेट मतलब गेट पैटर्न होता है चलने का, बैठने का, तो थोड़ा उसमें क्या होता है कि बॉडी ट्विस्ट होता है, जिसके कारण कभी कभी प्रेशर आ जाता है बैक और नेक पे। तो अभी हम लोग चेक करेंगे कि अभी मैं इनका चेक करता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है। तो मैम, आप आएंगे इस गेट पे, मैं देखता हूँ आपको। फील कर पा रहा हूँ, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आपको नेक में भी है जी। या तो इधर सम टाइम कभी आपको ये राइट साइड में ये हैवीनेस होगा और हेडेक भी हो सकता जी। है जी, थोड़ा मैं इसको मोबिलाइज कर देता हूँ ताकि आपको रिलैक्स महसूस हो, एडजस्टमेंट के टाइम पेनफुल नहीं हो और इजीली एडजस्ट हो। मेरी क्लिनिक जो है मुंबई में ओपन हो चुकी है और ये लोखंडवाला सर्कल के बाजू में ही स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग करके है, मर्सिडीज शोरूम के ऊपर। इसका एड्रेस ये है स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग, मर्सिडीज शोरूम के ऊपर 704 फ्लोर पे है, 704 फ्लैट में, उसमें मेरा क्लिनिक है। तो आप आ सकते हैं, ट्रीटमेंट ले सकते हैं। मैंने एक लंबा सांस लेना, आपको छोड़िए सांस, लोड छोड़िएगा लोड। आर यू ओके मैम? मैम, यस ओके। द थॉट द थॉट द थॉट मन गिर मन ओके। उल्टा हो जाएंगे आप, बस बॉडी को रिलैक्स रखेंगे ऐसे 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 ओके, ऐसे चिंता रख लेंगे आप, बेस्ट। अभी मैं बाल पीट कर रहा हूँ स्पाइनस प्रोसेस और ट्रांसवर्स प्रोसेस को, ताकि मैं समझ पाऊँ कि प्रॉब्लम कहाँ है। इसमें इनका एंड रेस पे आता हूँ, लंबा रीजन पे, तो प्रॉब्लम L4 एंड L5 पे ही है। L4 पे ये दर्द है आपको यहाँ? इनका L4 थोड़ा रोटेट हो गया है, यह स्पाइनस प्रोसेस ट्रांसवर्स प्रोसेस थोड़ा ऐसे रोटेट हो गया। एक लंबा सांस लेंगे, छोड़ेंगे सांस, छोड़ देना है बस, रिलैक्स ओके। वन साइड टर्न, थोड़ा नीचे आएंगे ओके, मेरे तरफ घूम जाएंगे आप, और ऐसे आ जाएंगे थोड़ा बस नीचे का पैर से, इधर का तो ऐसे मोड़
इसको रिलैक्स ऐसे पकड़ लो, इसको ऐसे छोड़ना नहीं है, आपको पकड़े रहना है, एकदम बॉडी को रिलैक्स छोड़ो, एक लंबा सांस लेंगे आप छोड़ेंगे, एक एडजस्टमेंट लाइक अ लोअर लिम्स लाइक अ लोअर लंबर L4 एंड L5 टर्न ऑन द साइड एक लंबा सांस लेंगे छोड़ेंगे सर को बीच में रखेंगे राइट लेग को ज्यादा यूज करते हैं ये देखिए ये इतना डिफरेंट है देखो जी आपके नीचे लंबा सांस लेना थोड़े में छोड़ो अभी देखो This leg also. Yeah. Close. Close. Okay. This is relaxing. दोनों हाथों को ऐसे पकड़ेंगे और ऐसे स्ट्रेट बस इस एंगल पे इसको ऐसे ठीक है बॉडी को एकदम रिलैक्स छोड़ देंगे एक लंबा सांस लेंगे हम छोड़ेंगे दोनों हाथों को नीचे टेक अ डीप ब्रेथ मैम प्रताप सांस छोड़ देंगे This adjustment like a visual manipulation for a stomach. Okay. Right side. Close. Relax. खड़े हो जाए आपको ऐसे लॉक करने हैं ऐसे रहना है यही खड़ा होना है दोनों पैर वापस में मिला करके और मेरे बॉडी के ऊपर जाना चलना नहीं आपको ठीक है थोड़ा हाथ को खोलेंगे यही रहेंगे मेरे बॉडी को सो जाएंगे चलना नहीं है एक लंबा सांस लेंगे छोड़ेंगे बोला यस yes.
Still relax, huh? Totally relax. Take a deep breath. Breathe out, breathe out, breathe out, breathe out. Okay. Just walk. Thoda chalne mein aise. Idhar. नाजी मैम फरहानाज अभी आप जो ट्रीटमेंट ली अभी आपका बैक पेन कैसा है? अभी तो फिलहाल ठीक है. अभी जैसे अगर मैं देखा जाए रेशियो अगर मान लिया 100% आप पेन लेकर आई थी जी उसमें अभी कितना रिड्यूस हुआ है? मतलब 50% तो मान के चलिए 50% रिड्यूस हुआ है. मैम आगे भी आप और ट्रीटमेंट लेने पड़ सकते हैं जी. तो जैसे गाइडलाइंस दिया जाएगा फॉलो करेंगे. अभी कुछ दिन सामने नहीं झुकेंगे कोई वेट नहीं उठाएंगे जी. ठीक है. और बाकी अपने जो जो जिस टाइप से आपको प्रॉब्लम थे जैसे और किसी को हो उसके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं गाइस आप लोग को यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप लोग एक बार यहाँ आके ज़रूर ट्राई करें. आपको जो भी दिक्कत हो जितनी भी प्रॉब्लम हो थिंक मुझे तो प्रॉफिट हुआ है मुझे इसमें पता चला है कि हाँ इसमें कुछ तो फ़ायदा है. तो आप लोग प्लीज़ एक बार आकर ट्राई. बड़ी बात है कि बिना दवा के. हाँ बिना दवा के. बिना दवा के. और इससे अच्छी कौन सी बात हो सकती है कि हम बिना दवा के ही ठीक हो सकते हैं. और मैम एक छोटी सी क्वेश्चन जो अभी हम लोगों ने वीडियो शूट किया जी इसको सोशल मीडिया के लिए यूज कर सकते हैं ना? जी बिल्कुल बिल्कुल. ओके मैम थैंक यू.